हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे होंगे। तो ये एपिसोड है भाई गॉड ऑफ फ्यूचर के लिए। आप लोग उस बंदे को बहुत टाइम पहले से जानते हो एंड आज तक कभी भी किसी भी एपिसोड में उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई थी। हम लोग उसके पास जाते थे गिफ्ट लेकर के एंड वो बंदा उस गिफ्ट को लेकर के उसको अच्छा लगता तो हमारी हेल्प करता एंड हमें ऐसी चीज़ें बताता जिससे हमारा कुछ फ्यूचर सुधर सकता था या बदल सकता था, फिर फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ थी वो बता देता था। तो क्या था वो बंदा? कौन है वो बंदा? क्या उसका लेना देना है हमारा हिसाब? देखो, हमारी लाइफ से कुछ लेना देना है तो कोई पक्का नहीं है, बट आज उसकी काफ़ी हिस्ट्री आप लोगों को पता लग जाएगी क्योंकि वो बंदा जल्द ही मेन एपिसोड्स में आने वाला है। इसलिए आपको उसकी आज हिस्ट्री बहुत सारी पता लग जाएगी, काफ़ी हद तक, बहुत डिटेल में वो भी। एंड उसके बाद और ज़्यादा डीप की डिटेल है वो आपको फिर कभी पता लग जाएगी विद सिनेमैटिक, क्योंकि इस एपिसोड में सिनेमैटिक तो होने वाली है नहीं, बिना सिनेमैटिक आप थोड़ी सी सुन लीजिएगा। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड वो कितना अच्छा है वो आप उसकी कहानी सुनिएगा, उसके फिर आप बाद में मुझे बताइएगा कि कितना वो अच्छा है। अच्छा तो नहीं है, खैर से मतलब आप जब भी देखिएगा सुनिएगा फिर आपसे पूछूंगा कि अच्छा लगा है कैसा लगा। ड्राइवर भैया आगे बढ़ो, बहुत सारी चीज़ें भी पता करनी है क्योंकि अभी मेरे को पहले तो हाईवे पर जाना है, दो चार बंदे मार रहे हैं, फिर उसके बाद भी सारी चीज़ें करनी है। बाकी देखते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। डेविड को मैंने बोला था सारी चीज़ें करने के लिए। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, बहुत सारे बंदे हैं अमेजिंग लेवल से। एलियन गन ही बेस्ट है भाई, देखो बंदों को मारने में मुझे सकता है बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हम लोग एलियन गन मारेंगे तो ऊपर से ज़्यादा अच्छा असर करती है। अरे भाई साहब ये तो हाथ है यार, सुपरमैन उड़ते उड़ते गोली चलाएगा। चलन तो कर ले, नीचे तो आया था। तो ठीक है भाई, बंदे लगभग सारे मर गए। दो गोली और एरिया खाली, परफेक्ट है। अरे भैया दो चार, ओके यार हाथ धो गए, तीन गोली एरिया खाली, हम मर गए। या अभी भी जिंदा है कोई हमारा भैया? हाँ जाओ भाई, फिर ये मत बोलना ड्राइवर भाई, हमें भी आशीर्वाद चाहिए। तो ठीक है चलिए भाई, सारे बंदे खत्म हो चुके हैं एंड सारे बंदे मैंने मार दिए। मैरी वेदर के बेस पर आया हूँ। दरअसल मुझे मैरी वेदर वाले बंदों ने कॉन्टेक्ट किया था एंड मुझे यही बोला था कि ड्राइवर भाई ज़रा आओ, आपसे एक को मिलाना है, हमारे जो नए बॉस है वो आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाइए। मैंने बोला ठीक है भैया जी, आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मैरी वेदर वाले चंपू, ठीक है ना? तो बॉस जो पीछे की तरफ ही मिलने वाले हैं। ड्राइवर भैया बस लैंडिंग कराइए। तो ये है भाई लॉस सैंटोस के मैरी वेदर का नया बॉस, जिसको मैंने आपके सुबह वाले एपिसोड में दिखाया था। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं, उसको चेकआउट कर लीजिए, सुबह के एपिसोड में नमूना था। हेलो जी, कैसे हो जी? तो आप हो मैरी वेदर के नए बॉस। देखो दुश्मनी तो आपसे भी होगी, अब सीधी सी बात है, जब आप आए आपकी गैंग पहले से लड़ रही है। ये आंखों पे क्या है ज़रा बताओ मुझे। अच्छा हो मैंने इसको भाई मतलब के सुबह रुक गया था मैं, क्या बताए मुझे देख सकता हो। इसकी आँखें ख़राब है, इसको बिना इसके दिखाई नहीं देता। किसी वजह से किसी एक्सपेरिमेंट के चलते हुए इसकी आंखें ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर इसको ये डिवाइस बना करके दिया गया जिससे देखता है। अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में दिन हो या रात हो, कोई बंदा ये पास में हो या कई किलोमीटर दूर हो, ये बड़ी प्यार से इसको दूर से देख सकता है और ये वो भी देख सकता है जो कोई और भी नहीं देख सकता क्या इससे। तो इसका मतलब इसने ये इशारा इसलिए किया कि ट्रैवर में तुझे भी देख सकता हूँ वॉच में, मुझे तो यही लगता है। तो फिलहाल भैया इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अब इसकी पूरी बात बताता हूँ, इसने मुझे क्या बोला। इसने बोला कि ट्रैवर भैया तुम जो कर चुके हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ आओ और अब से जो मैं कहूँ वही करना। मैरी वेदर की बात मान के रहोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान हमेशा उठाओगे। तो मैंने इसको यही बोला, भाई देख अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, बट जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करूँगा, अभी मेरे को टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं किसी के अंडर में रहकर काम करूँ। बट हाँ मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा और तुम मेरे रास्ते मत आना, ऐसा नेता बनाऊँगा कि मतलब कोई कभी सोच भी सकता है कोई किसी को ऐसा ही मार सकता है। मैंने धमकी भी दे दी कि भैया अपना काम करे जा और ड्राइवर से दूर रहे जा, ड्राइवर से दूर रहोगे तो फ़ायदा रहेगा, मेरे पास आओगे तो तुम्हें नुकसान ऐसा उठाना पड़ जाएगा कि फिर बाद में यही बोलोगे लेबल भैया माल दिया छोल दो। फिर कैसे छोड़े भैया, एक बार पिटाई होनी शुरू होती फिर छोड़ा नहीं होता। डेविड से आकर के मिल लिया हूँ। देखो अब यहाँ से ट्रेवर को हिस्ट्री पता लगनी शुरू होगी। ट्रेवर का भी ये इरादा नहीं है कि हमें कोई पता करना है गॉड ऑफ फ्यूचर का क्या लेना देना है, वो मैंने आपको पहले एडवांस में बता देना कि इस एपिसोड में ये चीज़ होने वाली है। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि हमको हिस्ट्री पता लग जाएगी, नहीं तो ट्रेवर का तो कुछ और मोटिव है। ट्रेवर और डेविड का ये मोटिव है कि हम लोग गॉड ऑफ फ्यूचर को कुछ यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, क्योंकि इसको कहीं से ये पता लगा है कि डार्क किंग एंड टेक्नो उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ें जानता है जिससे मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है उनके बारे में भी एंड और बाकी चीज़ों के बारे में। तो ये हमारा ये टारगेट है कि हम उससे अपने काम निकलवाए, उसको गोली दे के फिर किसी भी तरीके से उसको मना करके ये पता करें कि आखिर क्या हमारी वो हेल्प कर सकता है फ्यूचर के लिए, क्या हमारे बंदों ने हमारे लिए प्लान बनाए हैं एंड क्या हमारा फ़ायदा होगा काम करने से।
मतलब उसको अपनी टीम में करना चाह रहे हैं हम किसी भी तरीके से, ताकि उसको यूज़ कर सके, क्योंकि वो बंदा फ्यूचर को कुछ भी देख सकता है फ्यूचर में वो, और अगर ट्रेवर अपना फ्यूचर देख सकता है या दूसरों को देख सकता है तो कितना काम आएगा बंदा। तो यही तो प्लान है हमारा कि किसी भी तरीके से उसको ऐसा क्यों फिर दे, या ऐसी ऐसी कमजोरी ढूंढे जिससे वो हमारी टीम में आए और हमारे लिए हमेशा हेल्प करे, जो भी मैं पूछूँ वही बताए, कितने ही लंबी फ्यूचर की चीज़ कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये बंदा ईमानदार है नहीं है, बड़ा फ़ायदा होगा भाई। अब देखते हैं ट्रेवर का तो यही एक प्लान है, बट लगता है इसका प्लान कुछ और ही होने वाला है। ट्रेवर या निकलो, बाकी डेविड लगवा है मेरा प्यार बोल रहा है ट्रेवर में जल्दी पता कर रहा हूँ सारी चीज़ें, चिंता मत कर तेरे को सारी डिटेल बताऊंगा इस बंदे के बारे में, कैसे इसको कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अगर मेरा डेटा सही रहा तो। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ गॉड ऑफ फ्यूचर वाली जगह पर, जाने मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे, एक बार उससे ही जाकर के डायरेक्ट बातें करता हूँ। तो देखो भाई मैंने पता कर लिया है तू डार्क किंग का एंड टेक्नो का दोस्त है, टेक्नो जिंदा है और बहुत जल्द मैं उसका एंड करने वाला हूँ, इसलिए मेरे लाल मेरे को भी कुछ ऐसा सोल्यूशन दे जिससे फ़ायदा हो जाए, ये मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाए। देखते भाई वो बंदा कुछ बताएगा नहीं बताएगा, मेरी टीम में आएगा नहीं आएगा, या फिर मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई उठ के मेरे घर पर आ जाए, वहाँ पर रहे वहीं पर मां जाऊँ, बस जो मेरे को पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दे बिना किसी लेन देन के, तो फ़ायदा होगा। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, सामने हमारे प्यारे प्यारे भाई गॉड ऑफ फ्यूचर का वही एक स्टैचू है। अब बंदा सच्चे दिखने में ऐसा ही है या बस ये स्टैचू दिखने में ऐसा है? वैसे यहाँ पे तो बहुत सारे स्टैचू इसी टाइप के हैं। ये रहा बंदा, हेलो जी चाचा जी, इस अंडे को क्यों देखते रहते हो, क्या है आखिर इस एग में, बता दो हमें भी क्या रास की बातें छुपा के रखी है आपने यहाँ पर। अच्छा बोलिए ज़रा बात सुननी है, बहुत बातें पूछना चाहिए, अलग अलग तरीके से पूछना चाहिए, कुछ नहीं बोला, उसे ऐसे ही खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हिसाब है भाई। मुझे तो लगता है यही वो बंदा है, यही वो बंदा है जो ज़िंदा है, क्या देख रहे हो हाथ पैर बराबर है इस बंदे के, कहीं यही तो नहीं है वो विलन, मतलब कहीं यह स्टैचू ही है या फिर यही सच्ची में वही कैरेक्टर है जो कभी अगर हमारी सीरीज में आया तो क्या ये वही है, वो देख लेंगे। बट फिलहाल इसको मैंने हर तरीके से मनाने की कोशिश करी, बट यार कभी कभी होते हैं ना कुछ बंदे इतने अजीब होते हैं, कुछ नहीं बोलते, इसने कुछ नहीं बोला। मैंने इसको डेथ लॉर्ड का नाम लेके बोला कि भैया डेथ लॉर्ड बोल रहा हूँ मतलब डार्क किंग का नाम लिया, क्या वो तेरा दोस्त है मेरे को सब पता है, यहाँ पे आ जाकर के अपना काम निकाल रहा था, प्लीज़ मेरे को बता दे ये वगैरह वगैरह, बट कुछ नहीं बोला भाई। बंदे का रिएक्शन ऐसा है जैसे भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, तो कोई बात नहीं इसको फ़र्क पड़ेगा। ट्रैवल भैया आगे निकलिए, कुछ ना कुछ तो पता लग जाएगा। मैंने रोज़ा को फ़ोन करके बोल दिया, अलीना को फ़ोन करके बोल दिया है कि मुझे गॉड ऑफ फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जाननी है जिससे मैं उससे कुछ काम निकाल सकूं। मेरे को उसकी सारी कुंडली जाननी है, जहां पर भी कोई से भी नेट पे कहीं पर किसी किताब में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, देखते हो भूख हमारी क्या बोलेगी अगर उससे कुछ डेटा मिल सके तो। मैं एक जगह पर आया हूँ जैसे कंटेनर साइड है, यहाँ पर कुछ बंदे थे बहुत सारे, उनको भी मार रहा है भाई, मुझे परेशान करके रखा है बंदों ने, बोल रहे थे लेना ट्रैप पर मार दो, नहीं तो क्या तो मेरे गैरेज में घुस जाए। मैं लेवल आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा और उसके बाद बनाता हूँ बंदों का नेता। तो ठीक है चलिए भाई, बंदे दी एंड हो चुके हैं लगभग, ये बंदा ख़त्म एंड आ जाओ आ जा, अरे जल्दी आ जा यार, क्या ऐसे नखरे वखरे मत किया करो यार तुम लोग, जब तो बोल के रखा है मैंने तो मरना ही है तो फिर प्यार से मर लो ना मेरे लाल। तो ठीक है ओके, ऊपर ही गाड़ी है मतलब कि लाइट्स थोड़ी डिफरेंट है ना। माइकल का फ़ोन आया, माइकल भैया ने बुलाया, बोल रहा है ट्रेवर भैया फटाफट से घर पर आ जा यार, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। मैंने बोला नर्वस मत हो, जल्दी आ रहा हूँ मैं तेरे को लेकर के जाने के लिए, मैं जाने वाला था घर पर, मतलब जाने वाला था घर पर। अच्छा वो उसको खुद ही फ़ोन आ गया, दरअसल आर्मी रेडी है उसका स्वागत के लिए, तो क्योंकि उसको नया चैनल बना दिया, मैंने फ़ोन पर से सारी बातें कर ली थी। बोल रहा है ठीक है ट्रेवर मैं जिम्मेदारी उठाऊँगा, देखता हूँ कौन क्या करेगा आर्मी का, लगन को ऐसा बनाऊंगा नेता आर्मी के पावर को यूज़ करके। मैंने बोला अच्छी बात है, इसको कहते हैं मेरे दोस्त में दम, सिचुएशन कितनी आ जाए कभी डरता नहीं है माइकल। चलिए ड्राइवर मतलब माइकल भैया आगे निकलिए, सोचा नहीं था भाई साहब मेरा दोस्त माइकल आर्मी का जनरल बनने के लिए अलग ही लेवल का बन जाएगा। अरे मेरे दोस्त टोपी ओपी लगा के ब्लैक सूट दाढ़ी वाड़ी हटा के तो कतई ड्यूटी को सीरियस ले रहा है, देख रहे हो भाई माइकल भैया सही भाई जनरल लग रहा है आर्मी का, ऐसा नहीं कि लुटेरा चोर फ्रॉड बन के जा रहा ड्यूटी करने, ना वो कहते हैं ना पोस्ट को इज्जत दी है इसने। माइकल चल तेरे को उड़ा के लेके चल, चले काम करिए एवेंडे गाड़ी में चलते हैं, आ जा जल्दी लेट मत कर, बाद में पता है गाड़ी तो मिलने वाली है बट हम तो इसी में जाएंगे। तो ठीक है चलिए ट्रेयर भैया गाड़ी में गोली की तरह निकलिए, वैसे शूज़ को बंद कर दीजिए फटाफट से, 1 मिनट लगने वाली है अगर शूज़ मैंने बंद कर दिए अब आराम से हम लोग उड़ सकते हैं। चलिए चलिए फटाफट से, तो माइकल भैया ये एवेंडे गाड़ी कितना भागती है, इसको तो मैं दिया करके लाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा है एवेंडा पे,
मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद करी एक देख माइकल पहली टक्कर तेरे प्यार में आया मजा देख करके देख अभी दूसरी टक्कर भी मारूंगा तेरे ही प्यार में ड्राइवर कुछ भी कर सकता है गाड़ी का साइज बड़ा ही ज्यादा भयंकर है भाई ये गाड़ी शुरू होते ही खत्म हो जाती है मैं और प्यारा प्यारा माइकल हम लोग पहुंच गए हैं जगह पर हेलो प्यारे भाइयों के लिए माइकल देख तेरे वो कहते स्वागत में बंदे खड़े हुए हैं आजा 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 अब तू आर्मी का नया ऑफिसर है और हाँ भाई इज्जत रख लेना ऐसा ना पता चले सारी इज्जत ही डाउन कर दे तुमके आगे देखे आपका नया चैनल आ चुका है मजे लो सारे सारे मुझे निकलना है जरूरी काम के लिए रोजा का फोन आया बोल रहे तो बहुत सारी चीज़ें ब्लैक डेविल के बारे में बता रही है गॉड ऑफ फ्यूचर के बारे में मुझे डार्क वेब पर एक डेटा मतलब कि डेटा मिला उसके बारे में बहुत सीक्रेट है ड्राइवर शायद से दोबारा वो ना मिले या फिर तुम उसको कभी जानो ना कोई और तुम्हें ना बताए मैं बताऊँगी जल्दी आ जाओ मुझे लगता है रोज़ा अपनी तरफ से बता रही है मेरे को सारी बात जो जानती है उसके बारे में डार्क वेब पर उसने बहाना दिया है कौन से डार्क वेब पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कई हज़ार साल पहली है किसी को क्या पता बहुत चहद हुए तो ठीक है चलिए रोज़ा से मिलता हूँ फाइनली एंड चलिए देखते हैं क्या हिस्ट्री बताएगी गॉड ऑफ फ्यूचर के बारे में वो कुछ ऐसी चीज़ बताएगी जिससे गॉड ऑफ फ्यूचर को मेरा काम करने के लिए मान जाए वो देखते कुछ तो पता लगेगा उसकी हिस्ट्री पता लग जाएगी ना हम लोग को तो जिससे फिर हम उसको ब्लैकमेल कर सकते कि भाई तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं दुनिया को बता दूँगा अगर तुम्हारा काम नहीं करेगा इतनी डीप इन्फॉर्मेशन रोज़ा ने दी है इतनी तो कोई भी नहीं देगा भाई साहब अमेजिंग लेवल बहुत साल पहले जिससे कोई लिमिट भी नहीं है सुन लीजिए आप लोग बहुत साल पहले एक राज्य था जिसको जेटा के नाम से बुलाते थे बंदे जेटा तो वहाँ पे राजा थे उस टाइम पे मेरे आपको पता राजा ही होते थे उनकी जनता हुआ करते थे और उन्हीं के बीच में कुछ जादूगर रहते थे देखो जादूगर तो हर एक पहले राज्य में मिल ही जाते थे जादू पहले आम था बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर कुछ जादूगरों के संगठन टाइप का ही रहता बट वो बहुत लॉयल थे राजाओं के मतलब कि एक राजा एक टाइम पर एक मतलब कि एक ग्रुप को जादूगर को अपने साथ रखता ही था डिसीजंस के लिए कि ये करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा और जादूगर बहुत अच्छे से राजाओं की सेवा करते थे उनको ये बताकर कि हमारे राज्य के लिए सर अब ये ठीक रहेगा महाराज अब ये कर लीजिए जनता के लिए फ़ायदा ये फ़ायदा और इसी तरीके से जेटा बहुत हज़ारों सालों तक फला फूला अच्छी तरक्की करी पूरे ब्रह्मांड में उसने बहुत नाम कमाया एक दिन उन जादूगरों के परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था टारू नाम देख रहे हैं इनके जेटा टारू तो टारू भैया पैदा हुए टारू भैया थोड़े अलग लेवल के निकले जादूगर तो बहुत खतरनाक बने अपने पूर्वजों की तरह अपने बाप दादाओं की तरह जादू उसने बहुत अच्छा सीखा उसके बाद वो कुछ टाइम लग भी गया जो अपना मैंने आपको बोले थे इनका मेन काम ये होता है ये जादू सीखते हैं हुनर सीखते हैं और इसके बाद ये राजाओं की सेवा करते हैं जब महाराज वहाँ का जो करंट महाराज होता है जो सेवा मांगता है वो जो कुछ भी जानकारी मांगता है ये जादूगर उसके साथ रहते हैं हमेशा एंड उसकी सेवा करते हैं बताते हैं डिसीजन कैसे लो क्योंकि इनके अंदर एक ही पावर है उन्हें आपको बता के रखे शायद से मैंने बताया नहीं अभी वो तो खैर आपको पता है किस लिए फेमस है फ्यूचर देखने के लिए ये फ्यूचर देखते हैं कई कई साल तक का फ्यूचर देख के राजा को पहले बता देते थे कि आप ये चीज़ करोगे तो इसका इतने साल बाद ये इम्पैक्ट होगा ये मत कीजिए ये कीजिए ये फ्यूचर देखते हैं सिर्फ तो फिर उसके बाद क्या हुआ टारू को महलों की आदत लग गई टारू को वहाँ की रानी बहुत पसंद आ गई टारू मैंने फिर बोला वो थोड़े सस्ते नशे थे टारू के तो वहाँ की महारानी तो पसंद आई उसके बाद में टारू को वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगी कि यार हम लोग एक छोटे से कबीले में रहते हैं खाने को भी ढंग की चीज़ नहीं है जादू करके हम जादू करना अलाउड मतलब कि जादू से कुछ कभी खाते नहीं थे उनका एक रूल भी था और मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी जादूगरों की उनको कोई लालच भी नहीं था बट टारू महान व्यक्ति थे हमारे प्यारे भाई जिनको लालच था एक अच्छी ज़िंदगी का तो इसलिए उसने एक ऐसा इलीगल टाइप की चीज़ करना शुरू करी जिसको जादूगर कभी भी सपोर्ट नहीं करते अगर उनको पता लगता तो उसने अंदर ही अंदर रह करके गलत बंदों की हेल्प करना शुरू कर दिया जैसे कोई भी पैसे देता बदमाश उसको वो चीज़ लेता बंदों से कोई भी स्पेशल हीरा उस टाइम पर जो भी कोई कीमती चीज़ होती और उससे वो चीज़ लेता और उसके बदले में उसको फ्यूचर उसका बताता और बताता तो कैसे सेफ रहेगा और कैसे अगर तू बैंक लूटेगा तो कैसे कैसे तू बच सकता है मतलब कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ उस टाइम पे बैंक तो नहीं थे किसी घर लूट लिया एग्जांपल आप समझ जाना तो उसी तरीके से उसकी हेल्प कर देता फ्यूचर देख करके और उससे उसकी कीमत ले लेता काफ़ी टाइम तक ये चीज़ चली उसके बाद में टारू ने महाराज को वहाँ पर एक गलत खबर दी ताकि वो महारानी से शादी कर सके देख रहे भाई लेवल किस हद तक जा रहा है महारानी को टारू पसंद नहीं था एक तरफा प्यार समझ रहे हो आप तो उसे सोचा बाद में तो महारानी को अपना बना ही लूँगा उस टारू ने एक दिन महाराज को गलत खबर दी कि महाराज ये कर लीजिए इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपका बड़ा ही फायदा होगा हाँ हुआ ना फ़ायदा महाराज सीधा ऊपर निकल गए उसने कुछ ऐसी चीज़ खरीदवाई उसको जिससे उसको महाराज को लगा कि इससे मेरी लाइफ बड़ी ईजी होगी बीमारियाँ नहीं होगी बहुत सारे काम होंगे फ़ायदा होगा हमारी जनता को और मुझे भी उसके बाद क्या हुआ उस चीज़ को अपने ऊपर टेस्ट किया महाराज ने टारू की बात मान के क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता था वो जादूगर था
अब जादूगरी जब झूठ बोल के ऐसी चीज करवाएगा जिससे महाराज मरेगा तो मरेगा ही। बस महाराज ने जैसे दो चार डोज खाई, मारा सीधा बीड़ी मार के ऊपर, रानी अकेली परेशान। उसके बाद टारू भैया आते हैं, टारू भैया बोलते महारानी महाराज चले गए, मुझसे शादी करोगी? अमेजिंग लेवल, यही बोला, बच्चा था ना, अकल थी नहीं, 19-20 साल का था जब सारे कांड उसने करे। उसके बाद में क्या हुआ, महारानी ने सीधा उसको जेल में डलवा दिया। ये उसकी हिम्मत कैसे बात बोलने की, अभी तक ये बात पता नहीं चली कि उसने महाराज को मरवाया था, समझ रहे हुई? यही पता लगा कि बस कि उसने महारानी को बोला शादी मुझसे कर लो। ये बहुत बड़ा क्राइम है भाई, एक सेवक अगर रानी को ये बात बोलेगा, अब रानी उसका नेता बना देगी। रानी ने उसको जेल में डलवा दिया, फिलहाल वो गम में थी महाराज के, इस वजह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद बाकी जादूगरों ने जब चेक किया तो उन्होंने पास्ट चेक किया, वो ज़्यादातर फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में तो महाराज के मरने की बात नहीं मिलती। कुछ जादूगरों ने पास्ट देख लिया कि जादू ये महाराज मरा कैसे, तो देखा तो टारू भैया ने उसको ऐसी दारू पिलाई कि मर गया बीड़ी मार के। मतलब आप समझ रहे हो, मजाक कर रहे हो, बट उसको ऐसी चीज़ बताई जिससे वो फंस गया। उसके बाद टारू भैया को वहाँ से बेदखल कर दिया गया, मतलब कि एक तरीके से उम्र कैद की आए, सजा दी दूर की तरफ। नॉर्मल कैदी को अपने राज्य में रखते थे, बट जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते थे, जो समाज के लिए खतरा होते थे, उनके लिए ऐसी जेल बना के रखी थी ना। वहाँ पर पानी रहता था ठीक से, 2-4 बूंद पानी मिलेगा दिन में, और सूरज की रोशनी तो भूल जाओ, कभी नहीं मिलेगी। उसको ऐसी सजा दे दी थी, बस वो बंद रहेगा काले अंधेरे गुफा वाले कमरे में। उसके बाद यहाँ तक आपने देख ली, देख लो रोज़ाना की डीप कहानी मेरे को बताई, हमें इसके लेवल के काम करती रहती रोज़ा। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। उसके बाद टारू भैया परेशान, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, वो जादू असर नहीं होता उस पर। आप ये बस सोचो तो जादूगर से जेल तोड़ के भाग जाएगा, वो जेल में तो जादूगरों ने बना के रखी थी, उस जेल को टारू के बस के नहीं था तोड़ना। तो वहीं पर वो काफ़ी दिन रहा, कई महीने गुस्से में दिमाग खराब उसका रहा, खाने को ठीक से नहीं मिलता था, दिन में 10-15 बूंद पानी मिलती थी पीने के लिए सिर्फ, कैसे सर्वाइव करेगा। उसके बाद रोज़ा ने बोला कि टारू की लाइफ में एक ऐसा रैंडम इंसान आया जिसके बारे में आज तक कभी कोई नहीं जानता, उस टारू को उसने वहाँ से आज़ाद किया, उसको ऐसी पावर्स दी, उसने पूरे जेटा का दी एंड किया, उस महारानी से शादी भी करी, उसके बाद में कुछ दिन उसके साथ रहा और उसको मारा, समझ रहे हो? ईगो हर्ट हुआ था टारू भैया का, शादी करके मारा, मतलब अपनी बनाई, उसके बाद उसको जान से भी मारा, पूरी सल्तनत को दी एंड किया, हर एक जादूगर को चुन चुन के मारा, अपने माँ बाप को, दादा को, सबको, किसी को जिंदा टारू ने नहीं छोड़ा। टारू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब ये पता नहीं कैसे किसने उसका इस तरह पागल उसको बनाया, और उसी इंसान ने फिर वो मतलब अपने साथ टारू को लेकर के चला गया, क्योंकि वो प्लेनेट पूरा ब्लास्ट कर दिया था उन्होंने। यहाँ तक थी जेटा की कहानी, जेटा दी एंड। उसके बाद टारू उसी इंसान के साथ वहाँ से निकल कर कहीं और चला गया, और फिर उसके बाद बताया जाता टारू को कभी नहीं देखा गया, और यही अफवाह उड़ती है कि आज तक टारू ही वो बंदा है जिसका नाम है ब्लैक डेविल। उसी इंसान ने जिसने उसकी हेल्प करी थी जेल से भागने के लिए, उसी ने उसको नाम दिया ब्लैक डेविल। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि उसके काम काले कारनामे थे ना, और डेविल से कम उससे काम नहीं थे, इसलिए उसका नाम ब्लैक डेविल के नाम पे पड़ा। और ये टेम्पल अब कैसे यहाँ पर आई, क्या हिसाब है, कोई नहीं जानता कैसे ये बनी, टारू कहाँ पर रहता है, ये टेम्पल कैसे उससे कनेक्टेड है, क्या ये वही टारू है जो जम के रखा है, कोई नहीं जानता। नाम उसका टारू है ब्लैक डेविल, इसको बाद में नाम दिया गया, पर इसकी हरकतें देख के वही लगता है मुझे, क्योंकि टारू का एक पेशा बन चुका था, वो कभी भी कीमत लिए बिना काम नहीं करता, उसको कुछ भी दो ऐसी चीज़ जो बहुत ही यूनिक हो, स्पेशल हो, जो हर किसी के पास ना हो, तो वो लेगा और आपकी हेल्प करेगा। ये काम मैं कर चुका हूँ इसके साथ में, मैं भी इसको कीमती चीज़ दे चुका हूँ, दुनिया की हीरा दिया था मैंने एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो भैया ये था फिलहाल एक ऊपर ऊपर से गॉड ऑफ फ्यूचर की हिस्ट्री। बाकी आप बताइएगा इसकी कहानी आपको कैसी लगी, मुझे तो हंसी बहुत आई भाई इसके बचपने पर। और देखो बात, देखो टारू अपनी जगह ठीक भी है गलत भी है, उसको किसी को मारना नहीं चाहिए था। ऊपर से खुले में रानी को ऐसे कौन बोलता है कि रानी मुझसे शादी करोगी, ऐसे कौन बोलता है यार? अरे पहले उससे बात कर, दोस्ती वोस्ती कर, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो क्या पता रानी खुद ही तुझसे शादी कर लेती, बट नहीं, राजा आज मरा, आज ही पुत्र प्रपोज मार दिया, तो थोड़ा गलत हो गया। ऊपर से फिर उसने सभी को मार दिया, तो टारू का माइंडसेट पहले से ही खराब था, बाद में उसको बनाया गया। देखो वो तो हिस्ट्री आपको सिनेमैटिक में ही पता चलेगी, जल्दी गॉड ऑफ फ्यूचर का थोड़ा सा एपिसोड आने वाला है। देखो जो ये आपने फ्लैशबैक देखा वो पूरा तो एनिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एनिमेटेड मूवीज फिर ऐसे नहीं बनती भाई कि आप 2 दिन में बना सकते हो, हफ्ते में बना सकते हो। एनिमेटेड मूवी अगर आप 10-15 मिनट की बना रहे हो तो उसमें कई महीने चले जाते हैं, तो पूरी एनिमेट तो आप देखने को नहीं मिलने वाली आपको। कोशिश करूँगा कुछ हद तक अगर आप कुछ भी 2-4 चीज़ें दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट एपिसोड में आप कैरेक्टर देख लोगे गॉड ऑफ फ्यूचर वाले बंदे का, वो ज़रूर आ जाएगा। तो ये थी इससे फिलहाल कुछ कहानी। अब ट्रेयर भैया वापस से उसी के पास जाने वाले हैं, उसको ये बात बताने के लिए
अब देखते हैं कि सारी बात मानने के सुनने के बाद वो कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि एक इंसान उसके बारे में इतना कैसे जान सकता है जो चीज़ें इतने साल पहले हो चुकी है। ड्राइवर ने रोज़ देखो अभी भी ज़्यादा शक नहीं किया, ड्राइवर तो भूल ही गए हैं। ड्राइवर सोच रहा है सच्ची डार्क वेब पे था, रोज़ ने ढूंढ के निकाला पहला से। अरे मेरे भैया कोई आम इंसान इतनी चीज़ें कैसे पता कर लेगा इतनी डिटेल में। दारू का एक चीज़ मेरे को सबसे अजीब लगी, मतलब रानी ने शादी जरूर करी भाई, ईगो हर्ट हो गया था ना, शादी करके मारा उसको, पहले तेरे को अपना बनाया और उसके बाद मारूंगा तुझे, ऐसे कैसे लोग हैं भैया दुनिया में। चलो निकलते हैं उसके पास में। वैसे एक बात मैंने नोट करी है, जितने भी दुनिया में क्राइम होते आए हैं एंड आगे भी होंगे, दो ही चीज़ की वजह से होते हैं, लड़की की वजह से ज़्यादातर एंड पैसे की वजह से। कोई भी क्राइम केस आप उठा करके देख लीजिए, इन दोनों ये दो चीज़ ज़रूर कॉमन मिलती है क्राइम में। जितनी क्राइम स्टोरी आप देख लो, कोई सा सीरियल देख लो, कोई मूवी देख लो, ये दो चीज़ इन्वॉल्व ज़रूर होती है, या तो लड़की का मैटर होता है या ज़्यादातर पैसा, मतलब ये दोनों चीज़ होती ही होती है। इनमें से कुछ तो होगा तभी क्राइम होगा, नहीं तो मैं क्यों कोई कौन क्यों किसी को मारेगा। दारू के सभी लड़की का मैटर था, देखो बहुत पुराना खिलाड़ी था नमूना, बाबू भैया लड़की का चक्कर मरवाता है, सही बात है, और अक्षय को पैसे का चक्कर मरवाता है, देख रहे हो हेरा फेरी में दोनों चीज़ साबित होकर रखी है। हेलो मिस्टर, अरे ट्रेवर भैया कवर कहाँ ले रहे हो, ये कैसे कैसे काम कर रहे हो आप, सीधे हो जाए यहाँ पर। दारू भैया कैसे हो, बात सुन लो जरा यार, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है यार, ये टारू है भी ना भी, इसने नहीं बोला कुछ भी, ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं आई इसके अंदर से। भैया अब तो थोड़ा टेंशन हो गई है, देखो कहानी में मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, रोज़ा ने जो मुझे स्टोरी बताई है वो बिल्कुल 100 एक्यूरेट होगी, क्योंकि रोज़ा ने बोली है तो सही होगी। तो ये बंदा बड़ा शोक में हो गया, तो फिर या फिर ये कोई बात का जवाब देना नहीं चाह रहा मेरी, देखो जो भी है वो तो अब हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, बट कोई बात नहीं। तो ठीक है चलिए भाई, अभी इस एपिसोड में इतना ही है, बाकी आप लोग बताइएगा आपको पूरा फ्लैशबैक कैसे लगा हमारे प्यारे गॉड ऑफ फ्यूचर का, डेविल वाले बंदे का कैसे किसकी शुरुआत हुई है। ये एक पैदाइशी जादूगर है, कोई इसने जादू कहीं से लिया नहीं है, ये पैदाइशी बंदा है जादू वाला। तो जो पैदाइशी बंदे होते हैं ना जादू, उनको मारना थोड़ा मुश्किल होता है यार, क्योंकि इनका कुछ अलग ही प्लैनेट था। मैंने फिर बोला मल्टीवर्स में दुनिया भर के आपको गोले मिलेंगे, जिनमें दुनिया भर की जनरेशन और अलग अलग वैरायटी के नस्लें हो सकती है, कोई इंसान की तरह लगता है, कोई एलियन की तरह लगता है, मतलब बहुत वैरायटी है दुनिया में, तो ये भी उनमें से एक था। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से इतना ही, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।